नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी नाइन, जहां हम लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी टाइम। केवल 9 मिनट, वो तमाम खबरें जो आपकी जेब पर असर डालती हैं। सबसे पहले शुरुआत अच्छी खबर के साथ। नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर पर फैसला लेने जा रहा है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीडीटी की बैठक मार्च के पहले हफ्ते में गुवाहाटी में होने वाली है। इसी बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 में ईपीएफओ मेंबर्स को दिए जाने वाले ब्याज को तय किया जाएगा। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 और इससे पहले वित्त वर्ष में अपने सदस्य को 8.5% ब्याज दिया था। ईपीएफओ की फिनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें संगठन की अब तक हुई कमाई पर चर्चा होगी और इसी के आधार पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ब्याज दर की सिफारिश की जाएगी। और मनी टाइम की अगली खबर, 5G सर्विस शुरू होने से पहले लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन। टेक्नो मोबाइल ने 5G सेगमेंट में प्रवेश करते हुए अपना पहला 5G स्मार्टफोन पोवा 5G लॉन्च किया है। पोवा 5G में 6.9 इंच फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। इसमें 50MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप और 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में 6000mAh की बैटरी है जो 18W चार्जर के साथ आती है। भारत में इसकी कीमत 19,999 रुपए है और इसकी पहली सेल 14 फरवरी को अमेजोन पर शुरू होने वाली है। मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ये है मनी टाइम की तीसरी खबर। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर ये मकाम हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में बताया गया है कि 59 साल के अडानी की नेटवर्थ 88.5 अरब डॉलर हो गई है। अंबानी की नेटवर्थ जबकि 87.9 अरब डॉलर है और फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी पहले ही अंबानी से आगे निकल चुके थे। अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने पहली बार ये उपलब्धि हासिल की है। वहीं अंबानी इस लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं। इस साल अडानी की नेटवर्थ में 12 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि अंबानी की नेटवर्थ में 2 अरब से थोड़ा सा ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। रोजमर्रा की चीजों पर बढ़ने वाला है आपका खर्च। बिस्कुट से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट तक सब फिर से महंगे होने वाले हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और मार्जिन पर दबाव को देखते हुए एफएमसीजी कंपनियां एक बार कीमत बढ़ाने की तैयारी में हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक चालू तिमाही में 5% तक कीमतों में वृद्धि हो सकती है और इसकी वजह है कमोडिटी की बढ़ती कीमतें। पंखे, कूलर, किचन अप्लायंसेस बनाने वाली ओरियंट इलेक्ट्रिक ने कहा है कि कीमतों में 4-7% की वृद्धि होगी। बिस्कुट कंपनी ब्रिटानिया भी कीमतों में 10% तक की वृद्धि कर सकती है और इससे पहले कंपनियों ने नवंबर और जनवरी में कीमतें बढ़ाई थी। और तैयार हो जाइए एक और राउंड के लिए। अगली खबर है काम की। जल्दी आप अपनी पुरानी कार को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर पाएंगे। दिल्ली वालों के लिए ये है जरूरी खबर। दिल्ली में जल्द ही पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पुराने डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक किट के साथ उन्हें ई व्हीकल में तब्दील करने के उद्देश्य से रेट्रोफिटिंग के लिए सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने के लिए 10 इलेक्ट्रिक किट मैन्युफैक्चरर को इंपैनल किया गया है। दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने लगभग 1.5 लाख डीजल वाहन है, वहीं 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन की संख्या 28 लाख से ज्यादा है। बाजार में उतर रहा है एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी क्रेयॉन मोटर्स ने कम गति वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर स्नो प्लस लॉन्च किया है। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 64,000 रुपए है। स्नो प्लस स्कूटर की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 250 वॉट का मोटर दिया गया है। स्कूटर में डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा और इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग, मोबाइल के लिए USB चार्जिंग और साथ ही में एंटी थेफ्ट एंड नेविगेशन जैसे फीचर्स यानी GPS भी इसमें आपको मिलने वाला है। अगली खबर, महंगाई की आग से किस तरह से तप रहा है सोना, आपको बताते हैं। महंगाई की वजह से सुरक्षित निवेश के लिए मांग बढ़ने से सोने की कीमतें एक हफ्ते की ऊंचाई पर। न्यूयॉर्क में सोना मंगलवार को $1,819 प्रति औंस पर पहुंच गया और इस वजह से दिल्ली में सोने का हाजिर भी 144 रुपए बढ़कर 48,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी 76 रुपए गिरी है और इसका भाव अभी फिलहाल प्रति किलोग्राम का है 61,607 रुपए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एयरलाइंस कंपनियों की हालत पतली हो रही है।
जनवरी में घरेलू यात्रियों की संख्या मासिक आधार पर 43% घटकर 64 लाख रही है। कोरोना की तीसरी लहर और राज्य सरकारों के प्रतिबंधों की वजह से हवाई यात्रियों की संख्या में ये गिरावट दिख रही है। इकड़ा के मुताबिक दिसंबर महीने में हवाई यात्रियों की संख्या 112 लाख थी। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि मार्च तिमाही के दौरान रिकवरी प्रोसेस धीमी बनी रहने की आशंका है और जेट फ्यूल की कीमतें कंपनियों के लिए मुसीबत बन गई है। यात्रियों की संख्या घटने से एयरलाइंस ने जनवरी 2022 में अपनी उड़ानों में 7% की कटौती भी कर दी है। और आईपीओ की तैयारी में जुटी एलआईसी के कारोबार को लगी चोट। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की जनवरी माह में नई प्रीमियम आय 1.58% गिरकर 12,936 करोड़ रुपए रही है। एक साल पहले इसी महीने में इनकी आय जो थी 13,143 करोड़ रुपए पर थी। देश में सक्रिय बाकी 23 जीवन बीमा कंपनियों की नई प्रीमियम आय जनवरी 2022 में 9.39% बढ़कर 9,020 करोड़ रुपए पर रह गई है और एक साल पहले इसी समय इनकी आय इस प्रीमियम से 8,246 करोड़ रुपए पर थी। अप्रैल जनवरी 21-22 में कुल मिलाकर सभी जीवन बीमा कंपनियों को नई प्रीमियम आय जो है 6.94% बढ़कर 2,27,188 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इसी दौरान एलआईसी की नई प्रीमियम आय 2.93% गिरकर 1,38,951 करोड़ रुपए रही है। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान, क्यों समझाते हैं मनी टाइम की इस अगली खबर में। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड की शिकायतों में करीब 53% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से होने वाली धोखाधड़ी के मामलों में 12% का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि विभिन्न लोकपाल योजनाओं के तहत आरबीआई ने 2020-21 में धोखाधड़ी से संबंधित 1,45,309 शिकायतें दर्ज की हैं, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इन शिकायतों की संख्या 1,35,448 पर थी। दिल्ली में सस्ता फ्लैट खरीदने का मौका। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर 10 मार्च 2022 कर दी है। डीडीए ने इस योजना के तहत 18,000 फ्लैट्स को बेचने की योजना बनाई है। ये फ्लैट्स द्वारका, नरेला, रोहिणी और जसोला में है। इनमें 205 एचआईजी फ्लैट हैं, 976 एमआईजी फ्लैट हैं, 11,452 एलआईजी फ्लैट हैं और 5,702 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट होंगे। इस नई हाउसिंग स्कीम को 23 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और अब तक इस स्कीम के लिए 16,000 लोग आवेदन कर चुके हैं। अगली खबर एसबीआई योनो की बढ़ती लोकप्रियता पर, और एसबीआई योनो बन रहा है सबसे बड़ा न्यू बैंक भी। SBI योनो मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या में लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा नियो बैंक बन गया है। नियो बैंक पूरी तरह से डिजिटल बैंक होते हैं, यानी जिनका कोई बैंक ब्रांच नहीं होता, कोई पासबुक वगैरह नहीं होती है। नियो बैंक धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय हो रहे हैं। SBI योनो की बात करें तो 2021 में इसके मंथली एक्टिव यूजर्स में 35% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये संख्या करीब 5.5 करोड़ थी। SBI योनो के बाद ब्राजील का न्यू बैंक करीब 3.80 करोड़ ग्राहकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। SBI योनो को कई तरह की वित्तीय सेवाएं देने वाले एक सुपर ऐप के तौर पर पेश करने की योजना बनाई जा रही है। और अब देते हैं आपको स्टार्टअप दुनिया की हलचल का एक राउंड अप। IKEA समर्थित लिफ्ट स्पेस ने KKR के नेतृत्व में 18 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। इस ताजा फंडिंग राउंड के बाद लिफ्ट स्पेस की वैल्यू $1 अरब को पार कर गई है। होम रेनोवेशन प्लेटफॉर्म भारत का 86 यूनिकॉर्न भी अब ये बन गया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने स्टार्टअप ब्लू ट्राई फूड्स में निवेश किया है। ये कंपनी प्लांट बेस्ड मीट बेचती है और ब्लू ट्राई फूड्स का हेड ऑफिस मुंबई में इसकी स्थापना संदीप सिंह और निकी अरोड़ा सिंह ने की थी। B2B प्लेटफॉर्म मिंटिफाई ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $4 करोड़ की राशि जुटाई है। नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर और एलिवेशन कैपिटल ने यह निवेश किया है। कंपनी इस धन का इस्तेमाल अपना विस्तार करने में करेगी। अब आपको देते हैं IPO अपडेट। आईनॉक्स विंड की इकाई आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने अपने 740 करोड़ रुपए के IPO के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं। IPO में 370 करोड़ रुपए तक के शेयर जारी किए जाएंगे। साथ ही कंपनी द्वारा 370 करोड़ रुपए तक के शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। अदानी विल्मर का शेयर NSE पर 227 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है और इसका इश्यू प्राइस 230 रुपए था, यानी उसे 3 रुपए कम। हालांकि कुछ ही देर में अदानी विल्मर के शेयर में मजबूती दर्ज की गई और ये इंट्राडे में NSE पर 249 रुपए के स्तर पर चला गया। शॉर्ट टर्म नजरिया रखने वाले निवेशक 280 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
वेदांत फैशन के आईपीओ का निर्गम आखिरी दिन ढाई गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। वेदांत फैशन कपड़ों के लोकप्रिय ब्रांड मानेवर का परिचालन करती है। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 824 से 866 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। कंपनी को आईपीओ से 3149 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। तो इसी के साथ मनी टाइम में हम इजाजत लेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि आप देखते रहिए मनी नाइन, कल 80-90 पूरे 100 हमारे इस खास शो में समझिए फंड ऑफ फंड का क्या होता है फंडा। पर्सनल फाइनेंस में आप जानेंगे चैन की सांस में कि एफटी पर कैसे हो सकती है ज्यादा कमाई। और चलते चलते देखिए ये इन्फोग्राफिक्स।